आज के समय में वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, जो कि पिछले कुछ दशकों में कई गुना बढ़ गई है। वहीं वायु प्रदूषण के कई सारे भयानक प्रभाव भी हैं, क्योंकि वायु पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसलिए इसके प्रदूषित होने से लोग कई तरह के बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे विश्व में 2 से 4 लाख लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों के कारण भी प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। और यही नहीं, एक शोध के अनुसार निमोनिया और वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु में कोई निश्चित तौर से कोई न कोई संबंध होता है। और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण द्वारा होने वाले मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि हुई है। 2005 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 3,10,000 यूरोपियनों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इंफेसिमा, फेफड़े तथा हृदय संबंधित अन्य बीमारियां पैदा होती है। वहीं शोध के अनुसार वायु प्रदूषण के कई सारे विषैले कण मानव मस्तिष्क में पाए गए हैं। इसलिए वायु प्रदूषण सिर्फ सांस संबंधित समस्याएं ही पैदा नहीं करता, बल्कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। पहली बार वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि वायु प्रदूषण के दौरान उत्पन्न होने वाले चुंबकीय कण भी हमारे दिमाग में भी इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं वायु प्रदूषण जितना गंभीर विषय न लगे, पर हमारे मन मस्तिष्क पर यही काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण से सिर्फ शहर ही नहीं, अब तो गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। इसका प्रभाव धीरे धीरे सब खत्म करता जा रहा है। वही हालात ये हो गए हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहां ज्यादा वायु प्रदूषण की मात्रा होने से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। अब इन देशों में दक्षिण एशिया का सियोल भी शामिल हो गया है, जहां पर भी यंग जनरेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। और हाल ही में एक शोध के अनुसार यह बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी पड़ता है। एनवायरमेंटल हेल्थ परस्पेक्टिव वेबसाइट में छपे स्टडी के मुताबिक बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से यंग जनरेशन में अवसाद, व्यग्रता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। इससे लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और लोग आत्महत्या करने की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी समस्याओं से निजात पाना है तो इन पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क से वर्तिका शर्मा की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।